गाइस, थैंक्स अ लॉट ये स्टोरी को इतना प्यार देने के लिए। तो ये पार्ट 6 है, अगर आप नहीं देखे तो 1 to 5 देख लेना। तो जैसे कि पार्ट 5 में हमने देखा सैन को यूजिन का लाइफ का मालूम पड़ गया सब कुछ, कि उसके पेरेंट्स कितने सेल्फिश है, अपने बच्चे को यूज़ करे यार। तो अभी सैन उसके लिए कुछ ज़्यादा ही केयरिंग हो चुका है। वो उसको बोलता है कि तू आज बाहर से, मीन कॉलेज के बाहर जो लंच चीप लंच मिलती है उसके लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे लिए फूड ऑर्डर करके हूँ। तो खाता है, पूछते तू नहीं खाएगा, बोलता नहीं मैं ठीक हूँ तू खा। फिर सैन उसे पूछता है कि तू आज क्या काम पे जा रहा है, तो वो बोलता है कि हाँ। तो वो बोलता है कहीं कुछ जा रहा, तेरे सिर पे चोट लगी है ना, तू एक दिन रेस्ट नहीं ले सकता। तो बोलते हैं मैं ठीक हूँ, तो उसे वो हक कर लेता है। जैसे कि यूजिन का पास्ट लाइफ बहुत ही ज़्यादा बुरा था, तो ये सोच के रोने लगता है, सोचता है कि जो था तो था, अभी तेरा प्रेजेंट, मैं इतने अच्छे से तेरा केयर करूँगा, इतना मैं तुझे प्यार करूँगा जिससे तुझे सब खुशियाँ मिलनी चाहिए, एंड चाहे तेरे पेरेंट्स ही ना हो, तुझे बुली करने आए तो उनकी भी मैं वाट लगाऊँगा। तो ऑब्वियस सी बात है यार, अगर यूजिन हमारी अभी सामने आ जाए और हमको इसकी लाइफ मालूम है, पास्ट लाइफ, तो हम खुद उसे हक करना चाहेंगे, हम खुद चाहेंगे कि बंदा अभी प्रेजेंट एंड फ्यूचर में बहुत खुशियाँ पाए। यूजिन पूछता है कि सैन तो रो रहा है, तो बोलता है कि नहीं नहीं मैं नहीं रो रहा, मेरे आँख में जस्ट डस्ट चले गया था, मैं ठीक हूँ, चल तुझे मैं काम पे छोड़ देता हूँ, आई मीन साथ में चलते हैं अपन। फिर दोनों साथ में काम पे जाते हैं। यूजिन का जो फ्रेंड होती है वो बहुत खुश हो जाती है कि चलो तकरार के बाद दोनों साथ में बहुत क्यूट दिख रहे। यूजिन सोचता है कि ये ये उसको फोर्सफुली इसे पसंद करता है, जैसे कि इसे लगता है कि यूजिन उसे प्यार करता है। अभी यूजिन ऑब्वियसली उसे प्यार करता है, लेकिन होता है ना कि कोई अपने से प्यार करता है तो प्यार ना हो तो फिर भी हम उसके लिए कुछ ज़्यादा पोलाइट हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा केयर करने लगते हैं, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, एक फीलिंग। तो इसको ऐसा लगता है कि वैसी वाली फीलिंग है, रियल जेन्यून वाली फीलिंग नहीं है। तो ये सैन को बोलता है कि सैन तुझे खुद को फोर्सफुली मुझे पसंद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता तू मुझे सिंपैथी दे काइंड ऑफ, तो तू ऐसे फ्रेंड रह सकते हैं। तो बोलता है पागल है, तुझे लग रहा मैं फोर्सफुली तुझसे प्यार करता हूँ। फिर उसको फिल्मी स्टाइल में उसका हाथ अपने हार्ट पर रखता है और बोलता है कि अब बोल, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ? ये इसने प्रपोज कर दिया उसे फाइनली। तो ये बोलता है कि अच्छा ठीक है, तुझे बिलीव नहीं हो रहा ना, तो मैं तुझे किस करता हूँ। तो बोलता पागल है, तू मुझे किस करेगा? तो बोलता है मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। तो ये उसका हाथ पकड़ता है एंड उसे अपने साइड खींच के उसे किस कर लेता है, इन दोनों का फर्स्ट किस, ठीक है। तो सैन उसे बोलता है कि अब तुझे बिलीव हुआ कि मैं तुझे फोर्सफुली प्यार नहीं करता, एंड सो सॉरी मैंने तुझे बिना पूछे किस कर लिया, तुझे बुरा तो नहीं लग रहा ना? वो कुछ बोले उसके पहले यही बोल देता है कि तेरी गलती है, जब मैं तुझे प्यार से बोला था कि समझ ले, तू समझा नहीं, तो क्या करूँ, मुझे प्रूफ करने के लिए तुझे किस करना पड़ा, तुझे बुरा तो नहीं लगा ना? यूजिन बोलता है नहीं, और वो एम्बैरस फील कर रहा होता है, बोलता है कि हट मुझे काम करना है। तो बोलता है पागल है, तू रेस्ट ले, मैं जा रहा हूँ काम करने। वो काम कर रहा होता है, वो देखता है कि हमारा यूजिन बाहर ही नहीं आ रहा होता है, तो वो उसे पूछता है कि तू बाहर कहीं क्यों नहीं आ रहा। फिर उसे क्लिक होता है, वो पूछता है कि भाई ये तेरा फर्स्ट किस था क्या? हाँ इसका फर्स्ट किस ही होता है। वो कुछ नहीं बोल रहा होता, ये बार बार उसके पीछे पड़ रहा होता है, बोलता है बोलना तेरा फर्स्ट किस था ना, वो क्लास में भी नहीं छोड़ता उसे, भी क्लास के टाइम पर भी पूछता है तेरा फर्स्ट किस था ना। तो सर बोलते हैं तुम दोनों क्या बात कर रहे हो, डिस्टर्ब हो रहे दूसरे लोग, तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। तो सैन हाथ उठाता है, बोलता है कि मेरे को एक क्वेश्चन है। तो पूछता है कि क्या यूजिन का कल फर्स्ट बोलने वाला था, और उसका मुंह बंद कर देता है क्योंकि सैन अपना कुछ भी बोल सकता है, अपन सब पार्ट्स में देखते आए हुए हैं ना। तो सर बोलते हैं कि तुम दोनों के वैसे क्लास डिस्टर्ब हो रहा, जाओ बाहर, पनिशमेंट है खड़े हो को। वहाँ पे भी इसका पीछा नहीं छोड़ता, बोलता है कि बोलना तेरा फर्स्ट किस था क्या, फर्स्ट किस था, कहीं को तू ओवर एक्शन कर रहा, बता सकता है ना। तो वो बोलता है कि नहीं मेरा फर्स्ट किस नहीं था, जिट्टा कहीं का। देन वो उसको फिर से किस करता है, बोलता है कि जैसे कि तेरा फर्स्ट किस नहीं था, मतलब मैं जितना चाहूँ उतना किस कर सकता हूँ। इसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, बोलता है कि इतना बड़ा कमीना इंसान है, तेरी हिम्मत कैसे हुई फिर से मुझे किस करने की। सैन बोलता है कि ये तो मेरा फर्स्ट किस था, तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुझे मुझे डेट करना चाहिए। तो अपन कहाँ जा रहे फर्स्ट डेट पे, तो अग्री तो है ना?
तो ये बोलता है मैं अग्री नहीं हूँ, मुझे नहीं जाना तेरे साथ डेट पे, तो वो कुछ ज़्यादा ही रिक्वेस्ट करने लगता है, बोलता है प्लीज़ 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 मान जा मान जा मान जा, तो ऑब्वियसली मानना पड़ता है क्योंकि हमारा यूसिन बहुत क्यूट है, उसे हक कर लेता है। तो सैन बोलता है कि अच्छा तू हक के थ्रू मुझे बताना चाहता है कि तू अग्री है, तो उसके सिर पर वो किस करता है और बोलता है कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सैन बोलता है कि मुझे ग्रैंडपा से मिलना चाहिए, हमारे रिलेशनशिप के बारे में बोलना चाहिए, उनके लिए क्या कोई गिफ्ट लेना चाहिए क्या? तो यूजिन बोलता है कि नहीं, तू मेरे ग्रैंडपा को नहीं मिलेगा ना ही कुछ बताएगा। तो बोलता है ठीक है, लेकिन अपन सर को तो बताना ही चाहिए क्योंकि उनके वजह से तो अपन मिले हैं, तो क्या बोलता है उन्हें बता दिया जाए? तो बोलता है तू पागल है, तू क्या चाहता है कि सर हमें कॉलेज से निकाल फेंके? तो बोलता है कि हाँ हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, यूजिन तू तो बहुत स्मार्ट है यार। यूजिन बोलता है कि अगर तुझे बताने की इतनी चुल मची है तो जाके मेरे पापा को बोल, जिनसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हैं या नहीं है, तुमको बोल सकता। तो ये सोचता है कि ऑलरेडी मैंने इसके पापा से इतने पंगे ले चुके हैं। तो बोलता है कोई और रिलेटिव्स नहीं है तेरे? तो वो बोलता है कि नहीं और कोई नहीं है। सैन सोचता है कि यार इसकी मम्मी पापा के मैंने इतने पंगे लिए हैं, अभी उनको कर मैं कन्विंस कैसे करूँगा? फिर ये उसको बोलता है कि बेटा तेरे बॉयफ्रेंड के ऊपर भी कभी फोकस कर लिया कर, क्या हमेशा क्लास को ही फोकस करते रहता है? तो उसका मुंह बंद करता है, बोलते है थोड़ा धीरे बोल, कोई सुन लिया तो? तो बोलता है कि सुनने दे, उससे क्या अपन रिलेशनशिप में जो है, तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं ताड़ने लगते हैं। तो ये बोलता है कि भाई तू चुप रहे, अगर तू चुप रहा ना तो आज हम कॉलेज के बाद काम पर नहीं जाएंगे, मूवी देखने जाएंगे और मैं तुझे ट्रीट दूंगा। तो ये बोलता है कि वाओ थैंक्स अ लॉट बट ट्रीट मैं दूंगा तुझे। फिर दोनों मूवी के लिए जाते हैं, वहाँ पे एक बंदा आता है, बोलता है कि भाई मेरे को मेरे गर्लफ्रेंड के साथ बैठना है, तो क्या तुम सीट एक्सचेंज करोगे जिससे मैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ बैठ सकता हूँ? तो सैन बोलता है कि मेरे को मेरे बॉयफ्रेंड के साथ बैठना है, तुझे बिलीव नहीं हो रखी है मेरा बॉयफ्रेंड है, क्या मैं तुझे बिलीव दिलाने के लिए इसे किस करूँ तब तुझे यकीन होगा कि मेरा क्यूटी पाई बॉयफ्रेंड है? तो बोलता है नहीं 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 मैं जा रहा बोल के वो निकल जाता है। सैन को ब्रदरली मैसेज करते हैं कि भाई तू आज घर पे आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सैन बोलता है कि ब्रदरली आपको और पापा मम्मी को मुझे कुछ बताना है, समझ रहे हो, ये बंदा जाके रिलेशनशिप के बारे में कन्फेस करेगा। मम्मी यहाँ बहुत लकी होते हैं यार जो लोग यू नो इतने गट्स होते हैं जो अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं। यूजिन बोलता है कि अभी हम अपन क्या करें? तो बोलता है कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मुझे घर जल्दी जाना है, मुझे मेरे पेरेंट्स से कुछ बात करना है। तो पूछता है कि और तू क्या करना चाहता है हमारे लिए? हाँ, तो बोलता है पागल है कुछ नहीं, अभी तू चुपचाप घर जा। तो बोलता है ठीक है चल मैं पहले तुझे छोड़ देता हूँ फिर मैं घर के लिए निकल जाऊँगा। तो वहाँ पर वो कुछ फूड ऑर्डर करता है, तो ये पूछता है कई को इतना सारा खाना ऑर्डर कर रहा? तो बोलता है कि मेरे लिए नहीं मैं तेरे लिए कर रहा क्योंकि आज हम लोग कुछ जल्दी ही डिनर कर चुके थे, तो तुझे घर गए तो भूख लगेगी। तो बोलता है कि दे मैं पकड़ लेता हूँ। तो बोलता है कि नहीं नहीं तू कहीं को पकड़ेगा मैं पकड़ लूँगा। यूजिन बोलता है कि क्या मैं तुझे लड़की दिख रहा? एक सेकेंड यूजिन मैं तुझे थप्पड़ लगाऊंगी। ज़्यादातर लड़कियाँ खुद का सामान खुद ही उठाना पसंद करती हैं, दिस इज़ फॉर यू गर्ल्स कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, जिससे तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट भी मालूम पड़ेगा। लोग बोलते हैं कि रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन अगर तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना रहो तो सर्वेंट गिरी वाली रेस्पेक्ट आती है, उससे ज़्यादा तो मुझे कुछ दिखता नहीं है। अगर कुछ दिखता है तो बहुत कम परसेंटेज में दिखता है, तो तुम्हें चाहिए खुद के दम पे करना चाहिए सब कुछ, एंड यू एटलीस्ट यू नो खुद का सेटिस्फैक्शन रहना चाहिए। तो उसके लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सो कॉल अपनी जो सोच है लव स्टोरी या सो कॉल ये एज में मत डालियो, क्योंकि अभी तुम्हें अपने करियर एंड एक स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करो। ठीक है, मैं लव स्टोरी सुनाती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि लव स्टोरी तुम्हें बनाना है। ओके, हर एक चीज़ का टाइम होता है, वो टाइम के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करो, क्योंकि लाइफ है हर एक फेज जीना है लेकिन उसका टाइमिंग होता है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट सीन पे जाते हैं। सैन बोलता है कि क्या डिफरेंट है, और जस्ट बहुत हैवी है इसलिए मैं तुझे पकड़ने नहीं दे रहा। फिर दोनों साथ में चलने लगते हैं, जैसे कि उनको बस नहीं मिलता, इसलिए सैन उसे बोलता है कि भाई तू आगे आगे कहीं को चल रहा, तुझे अक्ल नहीं है? उसका हाथ पकड़ता है, बोलता है कि अपन बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो ऑब्वियस सी बात है हाथ पकड़ के चलना चाहिए। फिर वो उसे बोलता है कि क्या तू मेरा ईयर टच करेगा? तो उसका वो ईयर टच करता है, बोलता है कहीं को बोला? तो बोलता है कि मेरी मम्मी ने बोला था कि मेरा ईयर बहुत सॉफ्ट है, जिसका ईयर सॉफ्ट होता है वो अपने पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं।
तो तुम लोग पक्का चेक कर रहे होगे ना, तुम लोग का ईयर सॉफ्ट है कि नहीं है। मेरी बहुत सॉफ्ट है। अब बोलोगे कि मैं कितना केयर करती हूँ, हाँ मैं बहुत केयर करती हूँ खुद की, क्योंकि लाइफ में ना फर्स्ट पार्टनर खुद होते हो, ठीक है, खुद की केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो बोलता है कि जैसे कि मेरा ईयर बहुत सॉफ्ट है, मैं बहुत केयर करने वाला हस्बैंड हूँ, बनने वाला हस्बैंड हूँ, तो मैं तेरा बहुत ज़्यादा केयर करूँगा। घर पहुँच जाते हैं तो सैन उसे पैकेज देता है और बोलता है कि जल्दी सो जाइयो। फिर पूछता है कि यार क्या मैं तुझे किस कर सकता हूँ। वो कुछ बोलता उससे पहले ही उसे किस कर लेता है, तो पूछने का क्या फ़ायदा। तो बोलता है कि थैंक्स अ लॉट, तूने मुझे किस किया, आई मीन मैंने तुझे किस किया, एक ही बात है। तो बोलता पागल है। तो सैन सोचता है कि मैं इतना पागल हूँ तेरे लिए कि आज मैं अपने फैमिली को कन्फेस करने वाला हूँ, अगर वो ना माने तो मैं उनसे कुछ दिन दूर भी रह सकता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है वो मान जाएंगे। एंड पागल बनना तो बनता है, तो इतना क्यूट जो है वो तो है ही हमारा क्यूटी पाई। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यूजिन सैन का वेट कर रहा होता है, वो हमेशा इसको पिकअप जो करता है, तो आज वो नहीं आता। ये सोचता है कि मे बी कोई काम में बिजी हो गया होगा, तो ये कॉलेज चले जाता है। वहाँ पे देखता है कि सैन एब्सेंट है और वो इसके मैसेज कॉल को रिप्लाई भी नहीं दे रहा। ये सोचता है कि वो बोला था कि उसके फैमिली से वो कुछ बात करने वाला है, मे बी वो अपने रिलेशनशिप के बारे में तो बात नहीं करने वाला। तो वो सर के पास जाता है और बोलता है कि सर आज सैन आया नहीं है, तो मैं उसका होमवर्क उसे घर पहुँचाने के लिए क्या आप उसका एड्रेस दोगे। तो सर बोलते हैं क्यों नहीं ले लो, तो उसका एड्रेस देता है। बंदा बहुत डर के रहता है, लेकिन हिम्मत करके उसके घर के पास जाता है, ऐसे कॉल करता है, बट वो कॉल तो उठा नहीं रहा होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे ब्रदर ली आ जाते हैं। यूजिन ब्रदर ली को पूछता है कि सनाशकाई को स्कूल नहीं आया, उसकी तबीयत तो ठीक है ना। तो ब्रदर ली बोलते हैं कि हाँ उसकी तबीयत ठीक है। वो उसकी रात की स्टोरी सुनाते हैं कि रात में वो फर्स्ट टाइम ड्रिंक करके आया था, एंड कुछ नहीं बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करके आया था। बोला कि हम तीनों से कुछ बात करना है, तो हम तीनों को बिठाता है और वो भी ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है। वो बोलता है कि मुझे हिम्मत ही नहीं हो रही, कितना भी पी लो। तो तीनों गुस्सा करते हैं कि गधे पीना बंद कर, जो भी है जल्दी बता। सैन बोलता है कि ब्रदर ले आपको एक साल पहले जो बंदे ने आपको स्टैप किया था वो यूजिन का स्टेप ब्रदर था, उसके लिए यूजिन एक साल के लिए जेल गया था। जब वो हमारे स्कूल में ट्रांसफ़र हुआ उसका, तो मैं उसको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बुली करता था, उसे रोज़ रोक के मारा करता था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसकी समझ में आने लगा कि वो बंदा बहुत अच्छा है, तो बेहोश हो जाता है। तो उसकी मदर उसके सिर पर पट्टी रखती है, ये उसका मदर का हाथ पकड़ लेता है, बोलता है कि मुझे बात कंप्लीट करने दो, प्लीज़ मुझे बताने दो। तो वो बोलता है कि अभी मैं यूजिन से बहुत प्यार करता हूँ, यूजिन का फादर मदर उसे यूज़ करे, उसका कोई नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मैं उसे फैमिली दूँ, मैं उसके एक मदर फादर और ब्रदर दूँ, क्योंकि उसकी लाइफ में कभी खुशियाँ नहीं आई, मैं चाहता हूँ मैं उसे खुशियाँ दूँ, आप प्लीज़ मुझे उससे दूर मत करो, क्योंकि उसके लाइफ में जो भी आया उसे छोड़ के चले गए, वो टूट जाएगा अगर मेरे को भी आप उससे दूर कर दोगे, प्लीज़ आप मेरे को उससे दूर मत करो, आप हम दोनों को एक्सेप्ट कर लो। जिससे उसके पेरेंट्स भी मान जाते हैं, क्योंकि वो मॉडर्न ज़माने के लोग हैं यार, ठीक है, तो मान जाते हैं। उनकी बातें सुन के यूजिन बहुत ज़्यादा रोने लगता है। ब्रदरली बोलते हैं कि यूजिन मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि सैन तुम्हें बुली करता था, तुम्हें मारता भी था, तो मुझे लग रहा है कि वो फोर्सफुली तुम्हें प्यार करता है, अगर वैसा है तो तुम मुझे बोल सकते हो, मैं उससे बात करूँगा। तो बोलता वैसा नहीं है, उसे एक गलत फहमी हुई थी कि मैं उससे प्यार करता था, लेकिन कब उससे प्यार हो गया मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। स्टार्टिंग में उसे इग्नोर करता था कि उससे मुझे प्यार ना हो, लेकिन बंदा इतना अच्छा है कि उससे मुझे कंट्रोल नहीं हुआ। तो उसका रिकॉर्डिंग कर लेता, बोलता है कि ये तो बेस्ट गिफ्ट है सैन के लिए। और मिस्टर ली बोलते हैं कि देखा मैंने बोला था तुम दोनों को रियलाइज़ होगा, एंड मुझे खुशी है तुम दोनों को रियलाइज़ हो चुका। ब्रदर ली बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। फिर वो यूजिन को घर छोड़ते हैं। नेक्स्ट सुबह हम देखते हैं यूजिन सो के रहता है, उसे सैन मैसेज करता है कि घर के नीचे हूँ मैं, तो भागते हुए जाता है एंड उसे वो हक कर लेता है। सैन पूछता है कि तुझे क्या हो गया, तेरे पड़ोसी देख लिए तो तुझे प्रॉब्लम नहीं है क्या। तो बोलता है कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोलता है देन तेरे ग्रैंडपा देख लिए तो ऑन द स्पॉट उससे दूर हो जाता है, बोलता है तब कोई प्रॉब्लम है मुझे, उसका हाथ पकड़ता है। फिर वो
उसे रूम में लाता है एंड इस बार यूजिन सैन को किस करता है। इसके पहले सैन ने यूजिन को किस किया था, सेकेंड किस। ओके, यूजिन पूछता है कि तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि मेरे स्टेप ब्रदर ने स्टेप किया था, तो बोलता है कि भाई तेरा बॉयफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। और द अदर थिंग इज़ दैट कि मुझे मेरा क्यूटी पाई बॉयफ्रेंड का पूरा लाइफ का जानना ही चाहिए क्योंकि मुझे उसका केयर जो करना है। अब से तेरी लाइफ में फेक फैमिली की ज़रूरत नहीं है, अब से तेरी लाइफ में रियल फैमिली, क्योंकि इसकी फैमिली उसकी फैमिली। तभी ग्रैंडपा उससे बोलते हैं कि बच्चे तू किससे बात कर रहा, तो ये बोलता है कि ग्रैंडपा मैं फ़ोन पे बात कर रहा। ये सैन का मुंह बंद कर देता है क्योंकि ये कुछ भी बोल सकता। तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि बच्चे तुझे लेट हो रहा, जल्दी रेडी होके आ। तो बोलता है कि हाँ ग्रैंडपा मैं अभी आ रहा। तो सैन बोलता है कि मैं विंडो से चले जाता हूँ। बोलता है तू पागल है, विंडो से जाएगा? पहले तो ये विंडो बंद करता है क्योंकि पार्ट 4 या पार्ट 3 में हमने देखा था कि ये बंदे ने विंडो से छलांग मार ली थी इसके बोलने से पहले। तो बोलता है कि मम्मी मम्मी यहाँ तू क्या मेरा केयर कर रहा, वरी कर रहा मेरे लिए? तो बोलता है वैसा कुछ नहीं है, चल तू दूसरे साइड टर्न हो जा जिससे मेरे को ड्रेस चेंज करना है। तो बोलता है तू मेरे सामने ड्रेस चेंज करेगा? तो बोलता है इसलिए बोल रहा दूसरे साइड टर्न हो। तो बोलता है ठीक है ठीक है। वो टर्न होता है, ड्रेस चेंज करता है, बोलता है मैं लॉयल बॉयफ्रेंड हूँ, मुझे टर्न नहीं होना, मुझे टर्न नहीं होना, मुझे टर्न नहीं होना। तो बोलता है क्या बोल रहा है, मैं चेंज कर चुका हूँ, चल निकलते हैं। ग्रैंडपा को बोलते हैं कि ग्रैंडपा मैं रेडी हो गया, मैं जा रहा हूँ। तो ग्रैंडपा जस्ट अपने रूम में जाते हैं, दोनों बाहर निकल आते हैं। तो क्या नेक्स्ट? सैन बोलता है कि मुझे माफ़ कर दे, तूने अपने फैमिली को बता दिया, मैं अपने ग्रैंडपा तक नहीं बताया। तो बोलता है कोई नहीं, तेरे ग्रैंडपा की हेल्थ ठीक नहीं है ना, तो चलता है यार, बाद में बता देंगे उन्हें। तो ये बोलता है कि अगर तू कुछ करना ही चाहता है तो मेरे लिए कुछ करेगा? तो बोलता है कि हाँ क्या करना है मुझे? तो बोलता है मेरे लिए मेरा होमवर्क कर देना, दो दिन से मैं करा नहीं, मेरी हेल्प कर दे, मैं खुद ही कर लूँगा। तो बोलता तू क्या सोच रहा था? तो बोल रहा मैं कुछ नहीं सोच रहा था, बट सोच रहा था, कुछ तो सोच रहा था, ये इसके शक्ल से दिख रहा कि कुछ तो सोच रहा था। ये क्या सोच रहा मुझे भी नहीं मालूम, तुम लोग को मालूम, तुम लोग को भी नहीं मालूम। आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा मालूम। ये जो खड़ूस अंकल जी है ना, यूजिन का पप्पा, उससे ये पंगा लेगा, उसको कन्विंस करेगा कि इन दोनों की शादी के लिए, सॉरी रिलेशनशिप के लिए, उसको अग्री कराने के लिए। ये वो सीन बहुत अच्छा होगा, ठीक है? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो सीन एक्सप्लेन करने के लिए। और इसके ग्रैंडपा को कैसे बोलते, इसके ग्रैंडपा को बहुत अच्छे से बोलते हैं ना, लाइक क्या बोलते, वो गाना गा रहा होता है तो इसके ग्रैंडपा को मालूम पड़ जाता है, मतलब लास्ट में इसके ग्रैंडपा को खुद ही रियलाइज़ हो जाता है। वाओ, मैं ऐसे क्यों बोल देती हूँ, लाइक नेक्स्ट पार्ट का थोड़ा बहुत स्पॉइलर इसमें दे दी मैं, ठीक है चलता, फिर भी तुम लोग देखोगे। तो यहाँ तक देख लिए, तुमको पसंद आया, मुझे एक्सप्लेन करने में बहुत मज़ा आया, आई होप तुम्हें पसंद आया। मैं कितनी बार बोलूँ पसंद आया, ऑब्वियसली पसंद आया होगा। तो पॉइंट पे आते हैं, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देख तो कितने लोग हो, सब्सक्राइब कितने लोग करके जाते हो, करके जाया करो, ठीक है, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।